हे वेलकम गाइज एंड आज हम बात करने वाले हैं 6 डेट फ्री कंपनीज के बारे में। नाउ डेट फ्री मतलब क्या होता है? डेट फ्री मतलब कोई भी कंपनी जिसने कोई कर्जा लेके नहीं रखा हो बैंक से या NBFC से अपने डेली ऑपरेशंस के लिए। नाउ ये सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखिए, अगर मान लीजिए रिसेशन आता है या फिर कोई भी बुरा टाइम आता है या फिर इकोनॉमी स्लो डाउन होती है या कोविड जैसा सिचुएशन आता है, डेट फ्री कंपनीज़ को हमेशा एडवांटेज रहता है क्योंकि उन्होंने किसी से कर्जा लेके नहीं रखा है। ऐसे रिसेशन टाइम पे या फिर कोविड के टाइम पे सेल्स इम्पैक्ट होते हैं, कंपनीज़ के जो प्रॉफिट्स है ना वो गिरने लगते हैं। उस टाइम पे डेट जो भी उन्होंने लिया है वो कर्जा बढ़ता रहता है क्योंकि अब उन्हें वो चुकाने की जो क्षमता है ना वो कम हो गई होती है। तो ये एक बहुत रिस्की चीज़ बन जाता है। एंड अगर आपको ऐसे सेफ स्टॉक्स में लगाना जिनकी डेट है ही नहीं, तो मैं वो 6 कंपनीज आज आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो 6 कंपनीज के बारे में मैं बात करने वाला हूँ ये सब 5000 करोड़ के ऊपर मार्केट कैप वाली कंपनी है और इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 10% के ऊपर है। नाउ ये जो भी 6 कंपनीज में बताने वाला हूँ ये मैंने screener.in से इनका डेटा लिया है। 17 अक्टूबर 2022 के हिसाब से इनका डेटा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो पहली कंपनी है वो है डेविस लैब। ये फार्मा सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका पी रेशियो 30.6 है। ROCE इसका 35.1% है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर की बात की जाए तो वो है 33.1%। 5 ईयर सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो 17.1%। लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स की बात करें तो -23.5%। 5 ईयर्स रिटर्न CAGR की बात करें तो 32.4% है। अगर कंपनीज के प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। नंबर 2 है Company has delivered good profit growth of 22.8% CAGR over last 5 years. Third, company has been maintaining a healthy dividend payout of 28.2%. नेगेटिव की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 8.15 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। अगर बुक वैल्यू आपको नहीं पता तो ये एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ का है। तो टोटल कंपनी जितनी वैल्यू की है उससे 8.15 टाइम्स ज़्यादा पे ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इस कंपनी के बारे में। तो सेकंड कंपनी है सारेगामा इंडिया लिमिटेड। ये एंटरटेनमेंट सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका पी रेशियो है 43.3। इसका ROCE है 22.1%। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 26.2%। 5 ईयर सेल्स CAGR है 21.6%। लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स है -12.4%। 5 ईयर रिटर्न CAGR की बात करें तो वो 45.4% है। अगर कंपनीज के प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 78.5% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 24.9%। प्रमोटर होल्डिंग हैज इंक्रीज्ड बाय 0.84% ओवर लास्ट क्वार्टर। नेगेटिव कुछ भी नहीं है इस कंपनी की। नंबर 3 कंपनी है बजाज ऑटो लिमिटेड। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करती है। इसका पी रेशियो है 18.8। ROCE है 23.4%। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर की बात करें तो 16.4%। 5 ईयर सेल्स CAGR 8.79% है। लास्ट 1 ईयर रिटर्न्स -9.97%। 5 ईयर रिटर्न CAGR 2.04%। प्रोज की बात करें तो स्टॉक इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.83% एंड सेकेंड कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 71.9%। नेगेटिव की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.79% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। फोर्थ कंपनी है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये केमिकल सेक्टर को बिलोंग करती है एंड इसका पी रेशियो है 70.0। ROCE है 46.6%। नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 33.4%। 5 ईयर सेल्स CAGR है 29.2%। लास्ट 1 ईयर रिटर्न -25.2%। रिटर्न्स ओवर इट्स IPO इशू प्राइस 184%। प्रोज की बात करें तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर। सेकेंड कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.3% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। थर्ड कंपनी हैज गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स। ROE 40.4%। फोर्थ कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 50.4%। नेगेटिव की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 22.2 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। सेकेंड डेटर डेज हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम 65.2 टू 81.8%। अगर आपको नहीं पता तो ये वो डेज होते हैं जहाँ पे कंपनी कैश रिसीव करती है अपने क्लाइंट से। तो क्योंकि कंपनी का जो कैश रिसीव करने का डेज बढ़ गया है ये एक नेगेटिव में गिना जाएगा। नंबर 5 ITC। ये FMCG को बिलोंग करती है। पी रेशियो 25.2 है। ROCE इसका 33.6% है। Net profit margin last year 25.5%. 5 year sales CAGR है 7.23%. Last 1 year return है 29.4%. 5 year return CAGR 4.20%. प्रोज की बात करें तो कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड अ गुड डिविडेंड यील्ड ऑफ 3.44%. And second, company has been maintaining a healthy dividend payout of 91.7%. अगर हम नेगेटिव की बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.23% ओवर पास्ट 5 years. Sixth and the last company is SBI Life Insurance. ये BFSI सेक्टर को बिलोंग करती है. पी रेशियो 76.8 है. ROCE 15.3% है. नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट ईयर का 1.81% है. 5 year sales CAGR 22.1%. Last 1 year returns -0.49%. 5 years return CAGR 12%. प्रोज की बात करें तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है देश की. नेगेटिव्स की बात करें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 10.1 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू. सेकेंड, डिविडेंड पे आउट इसका काफ़ी लो था एट 10.2% ऑफ प्रॉफिट्स ओवर लास्ट 3 years. एंड थर्ड, प्रमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज ओवर लास्ट 3 years -11.8% पे. सो दैट्स इट. एंड ये थी वो 6 डेट फ्री कंपनीज. अगर आपको इनमें इन्वेस्ट करना है तो प्लीज़ अपना रिसर्च कर लीजिएगा एंड उसके बाद ही इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करिएगा. बहुत अच्छी कंपनीज़ है, मगर आप ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले थोड़ा सा रिसर्च ज़रूर करिएगा. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा. दैट्स इट. बाय बाय.